आजकल ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं फाइनली कार्तिक और नायरा के बीच प्यार देखने को मिलेगा। सीरियसली यार, इस शो में जितनी प्रॉब्लम आती है, ऐसा लगता है राइटर के सामने हाथ जोड़ के कहना है भाई बस करो, एक दिन खुशी के नहीं मिलते, इतनी सारी प्रॉब्लम सर पे आ जाती है। खैर, सीता जी वाला मैटर आज ख़त्म हो गया है, गोयनका फैमिली को अपना घर मिल गया है, ये सब कुछ हुआ नायरा की वजह से। नायरा ने आज फिर से एक बार प्रूव कर दिया कि वो इस घर की कितनी टेंशन लेती है, कितनी फिक्र करती है, और वो इस घर की सही मायने में असली बहू है। आप देखेंगे कार्तिक को किसी तरह बचा के ले आती है, सीता जी के मैटर को पूरा क्लियर कर देती है, लेकिन इसका घर बिकने वाला होता है। आप सभी जानते हैं कि पैसे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर मनीष के सर पर, लेकिन नायरा बचा लेती है, नायरा इस घर को नीलाम होने से, बिकने से बचा लेती है। सब लोग को लगता है नायरा ने किया कैसे, आखिर हुआ कैसे। दरअसल नायरा ने अपनी डांस एकेडमी बेच दी, वो डांस एकेडमी जो नायरा की माँ ने, अक्षरा ने उसे दिया था, अपनी माँ का वो आशीर्वाद, अपने माँ का सपना, सब कुछ बेच दिया आज उसने अपने इस घर को बचाने के लिए। दादी गुस्सा करती है, कार्तिक भी गुस्सा करता है, तो वो यहाँ पे जो जवाब देती है नायरा, वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि उसकी माँ का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। उसकी माँ ने कहा है पहले फैमिली इंपॉर्टेंस रखती है, बाद में सब कुछ। यहाँ पर आप देखेंगे सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे, कार्तिक को लगेगा उसकी नायरा लाखों में एक है। यहाँ पर वो नायरा को खुश करने के लिए, उसे इम्पोर्टेंस देने के लिए एक अलग सा एक मोमेंट रखेगा, यहाँ पे नायरा के साथ रोमांटिक पल बिताने के बारे में सोचेगा और बहुत खूबसूरत सा डेकोरेट करेगा। दोनों चाय पीते हैं, यहाँ मस्ती करते हैं, आई लव नायरा लिखा होता है। यहाँ नायरा और कार्तिक को आज के एपिसोड में एक दूसरे के करीब पाएंगे, जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं विदाउट एनी टेंशन। वैसे जब ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ जाती हैं, तो सबसे बड़ी टेंशन होती है कि ज़्यादा खुशी इस शो को बर्दाश्त नहीं हो पाती, और जल्द ही कोई नई मुसीबत आती है। नई मुसीबत हम आपको अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। इस शो में सिर्फ एंजॉय कीजिए नायरा और कार्तिक के इस रोमांस का।